वेलकम टू वर्चुअल मास्टर क्लास सीरीज बाय टेस्ट ऑफ अमेरिका एंड USDA। मैं हूं शेफ संजीव कपूर और इस सीरीज में मैं आपके साथ जो रेसिपीज शेयर करने वाला हूं बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसी रेसिपीज हैं जो आपको पसंद आएंगी, इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, हेल्दी हैं और आसानी से मिल जाते हैं। सो व्हाई नॉट क्रिएट अ रेसिपी विच इज़ हेल्दी मेड विद एप्पल्स, वॉशिंगटन एप्पल्स। ग्रेट, वाह, दिखने में कितने बढ़िया लगते हैं, खूबसूरत हैं, नाइस क्रिस्प। वॉशिंगटन एप्पल की इतनी बात हो रही है, चलिए थोड़ा घूम के आते हैं। शुरुआत इसी से होती है। भाई देखिए, दिन की शुरुआत इसलिए होती है बिकॉज फ्रूट्स जो है ना वो खाने चाहिए। मतलब दिन के अंदर आप दो सर्विंग तो आप फ्रूट की खाएं। अब इसमें सेब से मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि बहुत ही ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है, सॉल्युबल फाइबर जो है पेक्टिन इसके अंदर काफ़ी होता है। उसके साथ साथ खैर और बातें करेंगे फ्रूट्स की, हेल्थ की, लेकिन जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ एक स्नैक है, ब्रुस्केटा। जी हाँ, इटालियन है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेसिपी। सो मेरे पास यहाँ पे ये US पिस्ताशोज हैं और बढ़िया, मैं इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ। एंड पिस्ताशोज, अब नट्स हैं, नट्स में ये जो पिस्ताशोज हैं बहुत ही रॉयल नट लगता है बिकॉज इंडिया के अंदर केसर के साथ में बड़ा अच्छा होता है, चाहे वो आप आइसक्रीम के अंदर डालें, ज़्यादातर मीठी चीज़ों में डालते हैं, स्नैक के रूप में भी खा लेते हैं। अब हेल्दी तो होता ही है, नट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको पता है कि पिस्ताशो के अंदर ये जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, मतलब एक सर्विंग जो है इसकी वो अंडे जितना प्रोटीन इसके अंदर आता है। तो रोस्टिंग से क्या होता है, इसमें जो ऑयल्स होते हैं ना, विच आर अगेन गुड फॉर हेल्थ, दे कम आउट एंड उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड ये वॉशिंगटन एप्पल पे हम वापस आएंगे, लेकिन इसका मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी टेल यू। ये मेरे पास जो है लाइटली रोस्टेड, ये लिए मैंने, और उसके साथ साथ ये मेरे पास फ्रेश बेजिल लीव्स, और उसके साथ साथ थोड़ा नमक इसके अंदर, गार्लिक, लहसुन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गार्लिक, ये मेरे पास है पार्मेजान चीज़ एंड हमारी जो पूरी सीरीज़ है टेस्ट ऑफ अमेरिका, हम इसमें इंटरेस्टिंग रेसिपीज जो घर में आसानी से बना सकते हैं आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो ये इसके अंदर डाला हमने और उसके साथ साथ ऑलिव ऑयल ये लिया। रिमेंबर जो हमने इसमें पिस्ताशोज डाले हैं उसके अंदर भी अपना फैट होता है, तो ये लिया और उसके बाद बंद कर दिया और फिर इसको अब हम पीस लेते हैं। नाइस, लेट्स सी दिस, ये जो है हमारे पास ब्यूटीफुल, नाइस एंड चंकी, बहुत ज़्यादा इसको पेस्ट नहीं बनाना है हमने, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव, ब्यूटीफुल नाइस चंकी पिस्ताशोज एंड बेजल, ब्यूटीफुल स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। अब एक काम करते हैं, ब्रुस्केटा बनाना है तो उसके लिए ब्रेड, अब ब्रेड स्लाइस जो है आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं जो ऐसे लंबी वाली ब्रेड मिलती है ना, एक्चुअली फ्रेंच स्टाइल बगेट जो होती है वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं थोड़ा स्लांट पे कट करता हूँ, ये देखिए इस तरह से, एंड ये नॉर्मली इस तरह से होता है कि आप जब इसको बनाते हैं तो
अवन के अंदर तैयार करते हैं, बट आई वुड से अवन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैन पे इसको हम कर लेंगे। तो पैन पे करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ये पैन मेरे पास, एंड पैन के अंदर थोड़ा ऑलिव ऑयल बिकॉज वी वॉन्ट इट टू बी लिटिल नाइस एंड मॉइस्ट, एंड थोड़ा सा गर्म भी करना है। तो ये जो हमने पेस्टो बनाई है, इफ़ यू वॉन्ट इट लिटिल बिट मोर मॉइस्ट, तो इसके अंदर हल्का सा 2 बड़े चम्मच गर्म पानी डाल करके मिक्स कर सकते हैं। इट बिकम लिटिल बिट मोर जैसे चटनी से बनती है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। बट आई हैव केप्ट द मॉइस्चर डाउन एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज इसके अंदर हम एप्पल डालेंगे, वॉशिंगटन एप्पल डालेंगे, जिसमें अपना नाइस क्रंच मॉइस्चर रहेगा। सो मैं उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं बना रहा हूँ इस पेस्तो को। लवली, ज़रा ये पलट लेता हूँ मैं। हाँ, लुक एट दिस, ब्यूटिफुल। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके अंदर, मे बी लिटिल बिट मोर, मे बी लिटिल बिट मोर, नाइस। ये ब्रेड जो है ये तो बढ़िया से तैयार हो गई, इसको बंद कर देते हैं, नाइस एंड वॉर्म। और ये जो मेरे पास वॉशिंगटन एप्पल है, ओ लुक एट द फ्रेशनेस, जूसी। ये जो है इसको अब हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा स्लाइस हमने करना है, बट नॉट टू थिन, नॉट टू थिक, ब्यूटिफुल। ये हो गए तैयार सेब, और इसके बाद में ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये लिए हमने, ये ब्रेड के स्लाइसेस, ब्रेड हमारे पास तैयार गरम, और ये जो हमने पिस्ताशो का ये जो पेस्टो बनाया है ये इसके ऊपर रखते हैं। और फिर हमारे पास में ये जो सेब हैं, एप्पल मुझे लग रहा है कि थोड़े बड़े पीसेस हैं ये एप्पल के इस ब्रेड के हिसाब से, तो इसको थोड़ा काट लेते हैं, राइट। ब्रेड के ऊपर ये सेब के पीसेस। सो द आइडिया इज कि नीचे जो है वो पेस्टो की एक लेयर जो नटी है, और उसके साथ साथ उसके अंदर बेजिल है, गार्लिक है, पार्मेजान है, वो एक टेस्ट आए, सॉल्टी टेस्ट, और ऊपर से नाइस फ्रेश क्रंच एप्पल का। और फिर उसके साथ में इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट लिटिल बिट ऑफ गोट चीज ऑन टॉप, लिटिल बिट ऑफ गोट चीज ऑन टॉप। सो अब इससे क्या होगा, ये जो है ये इसको नाइस एंड क्रीमी बनाएगा। फाइनली जब आप इसको खाते हैं तो एक अलग ही चीज़ बनती है। जैसे ये मेरे पास में है, तो इसको मैं, इफ़ आई वर टू सी, लुक्स गुड, फील्स गुड, क्रंच लग रहा है मुझे ब्रेड का, इसमें स्मेल्स वेरी नाइस बिकॉज ऑफ बेजिल, लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, लुक्स में एप्पल बढ़िया से दिख रहे हैं, पर टेस्ट कैसा है वो ज़रूरी है। इट्स अ मिलांज ऑफ टेक्सचर्स, टेस्ट, कलर्स। खाने में ऐसे ही होना चाहिए, इट शुड बी विजुअल डिलाइट, इट शुड टेस्ट गुड, टेस्ट दैट लिंगर्स, एंड सेहत भी है, स्वाद भी है, एंजॉय।